ये देख लो भाई, रो रो के क्या हाल बना रखा है इसने, ये देख लो। मैं भगवान से फोन ले दूंगी, बंद कर लो, पहले दिमाग खराब हो रहा है। राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सभी, होप सभी गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस कौशिक व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। 9:30 हुए हैं और भाई मैं झाड़ू पोछा करके अपना नहा धो के मैं रेडी हूँ। आज थर्सडे है तो आज मैंने येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया है। और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप डेली व्लॉग नहीं बनाते हो, कभी कभार व्लॉग बनाते हैं ऐसे करके। तो भाई मैं बता दूं, नहीं हो पाता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ व्लॉग कंटिन्यू करने की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आप लोगों को पता है भाई कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। और भाई सो सॉरी, हमारे व्लॉग लेट आते हैं, आप बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत सारे लोग हमें बहुत प्यार करते हैं जो हमारे छोटी छोटी वीडियोज़ का भी वेट करते हैं, तो उनके लिए मतलब दिल से सॉरी। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, 1-1.5 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी रियांश की तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ आपको पता है होता रहता है, तो भाई उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और भाई कल भी व्लॉग मैंने बनाया था और आज भी मैं प्रॉपरली व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी, हर एक छोटी छोटी सी क्लिप ट्राई करती हूँ बनाऊं, जब भी मेरे पास फोन होता है मैं उसको कैप्चर करती हूँ। अभी नीचे चलते हैं, रियांश की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से उसको नहलाया भी नहीं है, तो अभी उसको नहलाते हैं और भी और काम करते हैं, खाना भी बनाना है और आज उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे। बाहर देखो पापा बेटा मतलब क्या लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं लड़ते रहते हैं दोनों। ये देखो भाई, एक सेकंड नहीं बनती दोनों की, अरना एक दूसरे के बिना सकती है। और ये हुक्का तो हमारा फाइनल मतलब मेरे हस्बैंड के साथ ही चिपका रहता है, ये देखो। और बहुत देर से मैंने रियांश को लिया नहीं है तो मैं अभी रियांश को ले लेती हूँ, मेरा वेट कर रहा है और भूखा भी हो रखा होगा, ऊपर का दूध नहीं पी रहा है तो अब इसको संभालती हूँ। तो भाई 2-3 दिन से इसको नहलाया नहीं है तो सेम कपड़ों में है, अब तो इसकी ऊपर वाली जैकेट निकाल दी और अभी पसीने आ रखे हैं, मम्मी नहलाने के लिए बोल रही थी इसको, धूप निकली है। अरे क्या हो गया बच्चे को, ये देखो इसका बड़ा भाई डांस करो। तो एक बात बताओ, ये जो हुक्का है ये आपका कभी चिपक रहा है कि मतलब छुटता है कौन, नहीं कदे भी देख लो। बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या है सारी, ये चक्कर क्या है सारा, बोलो आंदे 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 आंदे। अभी इसको नहलाना है तो ले लो इसको, लो आ जा भाई रियांश, ले लो जल्दी ले लो। अबे मेरा मंकी। और सुनो, हेलो इधर देखो, डॉक्टर के लेके जाना आज यू। क्या हो गया रियांश को, ये शेर है, ये शेर शेर इसको जुकाम अच्छा करके दिखा दे रियांश, रुक देख अभी दिखाएगा, इसका मुंह भी कितना पतला हो गया, वेट कम हो गया इसका, अभी दिखाएगा शेर। क्या कर रहा है बेटा, प्रोटीन खाऊंस भाई, तू भी खा ले मां प्रोटीन। तो भाई अपना लंच लग गया है, जबरदस्त बढ़िया एक नंबर खाना, रोने का काम है, मम्मी की आज रोटी लग रही है, बाकी और दिन रोटी मेरी लगा करा, तो घर का गरम गरम खाना खाने का लगे स्वाद है भाई। कुल नेवी की खाट बनवाई थी हमने कि नेवी आराम से सो जाएगा, इस पे देखो भाई कितने जने हैं, ये देखो मारुति 800 में पूरा कुटुंब बैठा है, मतलब तेरी जगह भी है इसमें, तेरे नहीं बैठा सके हम, कोई ना आप पे बैठो, पर एक बात है तू बैठते है खाट ये पिलंग टूट जाएगा। अच्छा आपके बैठे ना टूटता, मेरे बैठे टूट, भैंस है ना तू, आप भी तो हाथी हो, तू भी बैठेगा। सो गाइस खाना पीना खा के और अभी मैं रियांश को लेके बैठी थी कि ये दूध पी ले, ये बिल्कुल भी दूध नहीं पी रहा है, क्या बात है रियांश क्यों नहीं पी रहे आप दूध इस। तो भाई अभी टाइम हो रखा है 12:30 और आज कपड़े धोने नहीं, आज थर्सडे हमारे घर पे अभी अभी खाया, वेरी गुड। और भाई देखो मेरे बेटे ने 3 दिन हो गए, जय श्री राम का ये क्या बोलते हैं इसको, ये गले में डाला हुआ है। तो भाई मतलब इसको रियांश को मैं बताऊं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसकी जो जाड़ आ रही है ये वाली, तो मतलब बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है, उसी वजह से मतलब इतना उदास हो रखा है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, और अभी मतलब इतना चिड़चिड़ा हो रहा था और कह रहा है कि मुझे यहाँ पे ही बैठना है, सुबह शाम इसको गाड़ी में ही बैठना है, तो मैं अभी इसको गाड़ी में बिठा के खाना पीना खा पी के हम गाड़ी में आए हैं दोनों माँ बेटा, अब यहाँ पे चिल करेंगे, ये गाड़ी के साथ खेलेगा और मैं
फोन मिला के अपनी बहन से थोड़ी बातचीत करूंगी, चुगली करूंगी जो करते हैं। इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है अभी यहाँ पे है। ये दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं। चलो। और अभी मैं बस क्या बताऊँ आपको, हमारी जान है ना हथेली पे आ गई थी। इतना जबरदस्त किया ना नेवी ने, नेवी छुप गया और ये ऐसी जगह छुपा कि को हमने वहां के 10 चक्कर काट लिए, पता ही नहीं लगा। बताना भाई, मैं ना नेवी के साथ आज सुबह से है ना हाइड एंड सीख खेल रहा था, तो मैं जो कर्टन होता है कर्टन के पीछे छुप गया था, तो इसने भी सेम जगह देख ली, तो ये वहीं पे छुप गया। और मुझे ये हुआ, मैं और मम्मी और ममता बात कर रहे थे, मुझे हमें ये हुआ कि यार नेवी गिर गया, नेवी गिर गया। तो गाड़ी में बैठ जाता जाके, गाड़ी में देख के आया, गाड़ी में भी नहीं था, बाहर वाले रूम में देख के वहां पे भी नहीं था, ऊपर भी नहीं था। भाई धक धक शुरू होगी, फिर मेरा ध्यान आया कि कहीं ऊपर देखे पीछे से नहीं छुपा हुआ। भाई पड़े के पीछे चुप रहा था, चुपचाप खड़ा था, और हमने इतनी आवाज लगा ली थी और वहां के मैंने ना 10 चक्कर काट लिए, कहां है नेवी, कहां है, मुझे नहीं दिखा सच में, कहां छुपा था पता ही हो। अच्छे से चुप के दिखा, अच्छे से भाई ये नू छुप रहा था, ये के मेरा बाटा का यार इंसान ने पतला सा मुंह है यो। छोड़ना मत, छोड़ना मत, वाह ओ बल्ले बल्ले सावा सावा। ये देख लो भाई, रो रो के क्या हाल बना रखा है इसने, ये देख लो। मैं भगवान से बात करने दूँगी, तेरे बंद कर दो, तेरे पहले दिमाग खराब हो रहा है, आ जा। तो भाई सो साका आ लिए थे, ऊपर तय 2-2.5 घंटे सो गए थे और इवनिंग चाली चाय पी ली। तो मैंने सोची भाई सबके लिए कुछ ना बनाऊँ, ब्रेड रखे थे बहुत दिन से, तो मैंने ब्रेड का हलवा बनाया है और मैंने बना भी लिया, के लिए बनानी भूल गई। तो भाई ये देखो शक्ल इनकी, इसकी देखने में तो ठीक ठाक लग रही है, खाने का पता नहीं क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया और मुझे कमी आती है मीठा वगैरह सब बनाना। तो भाई मैं मीठा वगैरह कम ही बनाती हूँ क्योंकि मम्मी जी ज़्यादा अच्छा बनाती है। और सुनो देखो इधर, तो भाई एक्चुअली में हुआ कि मेरी और मेरे हस्बैंड की थोड़ी किसी बात पर कहा सुनी होगी, आपने वो क्लिप देखी होगी जब मैं रो रही थी, और गलती मेरी नहीं थी, वो मेरे हस्बैंड की गलती थी। और अपनी गलती को छुपाने के लिए आपको सबसे बेटर बताऊंगी कि अगर आपकी वाइफ मुंह बनाए, अगर आपकी वाइफ मुंह बनाए उससे पहले आप मुंह बना लो, क्योंकि आदमी को कमजोरी पता है लेडीज की, वो बिना बोले रह नहीं सकती, कोई बात नहीं। वो मैंने हलवा बनाया आपके लिए, मैं नहीं खा रहा, चल ये बढ़िया है, छोड़ दे आपने मेरी कसम, मैं खाऊंगा नहीं, आपने कसम मैंने वो कर रखा है, चलो चलो मैं ऐसे कसम नहीं, चलो सॉरी बोल दो, अपने बात खत्म, सॉरी बोल दो, बात खत्म, क्यों बोलूं भाई। अच्छा भाई भगवान के समझावे, गलती इनकी थी, किस चीज की गलती थी, जो वो चीज हुई हमारी उसमें जो भी बातचीत हो रही है, किस चीज की गलती थी भाई, तो गलती इनकी थी। आदमी ने टिक्का ले रखा है, मतलब दो आंसू गेर दे और मतलब मैं अपना, भाई सच में मेरे आंसू झूठे नहीं थे, मुझे फील हुई वो चीज, मुझे बातचीत फील हुई, ठीक है तो भाई अच्छी बात है, फील हुई तो फिर रख अपने अंदर। मेरे हस्बैंड मेरे व्लॉग में पहली बार देख रहा हूँ, मेरे हस्बैंड में इतना एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड है भाई, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं, देखो कितना एटीट्यूड है, चलो चलो ये दोस्ती हम नहीं लड़ेंगे, आपने मेरी कसम जल्दी चलो, मैं हां छोड़ ना छोड़ो, जो है वो है, किस चीज की सॉरी बोल दी भाई, जो आपने कारनामा किया ना उसकी सॉरी बोल दी मैंने, सॉरी ही लास्ट रिजल्ट होता है, हर चीज का सॉल्यूशन सॉरी होता है, तो हम बोलो सॉरी फिर भाई, मैं तो इसी हूँ, मैं आत्मा तो बहुत अमीर हूँ, मैं आपने माफ कर दूँ ना भाई, गलती इनने की थी, आपने मेरे पे विश्वास हुआ, गलती इनने की थी, चल हलवा खा लो, हलवा बनाया मैंने, मैंने नहीं खाना, खाना बनाया कोई देख लो फिर मैं नाटू वीडियो बन रही है, पहला बता दिए फलतू बोलोगे, बोले फलतू चूल से निकाल दूंगी, बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाया यार मैंने, मानते हुए कैसा लगा, मतलब यो ना है ऐसा, उल्टा चोर को तो को डांटे ले जा, खाना खाना।
किसा लग गया? बकवास बकवास है ना, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे सो, एक सो रहा है एक उठा हुआ है। भाई नेवी मैंने इतना टेस्टी हलवा बनाया, खाओगे? खा लो, बता दो किसा है। ठीक है ठीक है, अच्छा है। शाम के 6:20 हो चुके हैं और मैं अभी किचन में घुस चुकी हूँ और रियांश ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उससे खाया भी नहीं जा रहा क्योंकि गले में भी दर्द है। सेम मेरे को भी गले में बहुत पेन हो रहा है और भाई वायरल चला हुआ है बहुत ज़बरदस्त वाला, सब बच्चों को बड़ों को और भाई हर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, फीवर हो रहा है फिर गले में दर्द हो रहा है, ये वायरल ही है। तो भाई मैंने दवाई ववाई ले रही हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ फिर से हो जाती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर देना कि कभी दोबारा कोरोना परोना तो नहीं आ गया है, क्योंकि भाई बीमारियों से तो मतलब अपने आप तक तो ठीक है बट बच्चों की जब बात आती है ना, जब थोड़ा सा घबराहट सी होने लग जाती है। अभी रियांश की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके 2-3 कारण भी है कि वायरल भी फैला हुआ है उसको, यहाँ पे मैंने बताया था जाड़ी दातरी आ रही है उसकी वजह से भी बहुत परेशान हो रहा है वो, तो कुछ खा पी नहीं रहा, तो मैंने उसके लिए ओट्स बनाए थे तो भी ट्राई कर लेती हूँ। हम हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा मतलब वो मेरे से नाराज़ थे, मैं उनसे नाराज़ थी, बट ये सब चीज़ें चलती रहती है, हर किसी कपल में होती रहती है, मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। भाई मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, जो कमेंट आएंगे बहुत बड़े बड़े क्या हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुँह बना लिया कि भी मैं इस बात पे कि मैंने क्यों रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया, ये किया वो किया, और फिर मुझे लगा कि शायद ममता तूने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए। शायद भाई पॉजिटिव कमेंट्स दिया करो, नेगेटिव कमेंट्स मत दिया करो, क्योंकि भाई पॉजिटिव कमेंट्स देखते तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी सी आती है, और नेगेटिव कुछ कोई कर देता है ना, सच में मैं ऐसी हूँ थोड़ी इमोशनल टाइप की। तो भाई ठंड से बचे रहो, वायरल से बचे रहो, बस अब काम कर लेती हूँ, बासन ज़्यादा हो गया। ओट्स बना रही हूँ रियांश के लिए, मेरे बुखार हो गया और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके हाथ से हलवा खा कर बीमार होगी। हलवा इतना इतना सो खाया था, इतना सो मैं तो गला दिखानी पड़ेगी तो डॉक्टर के। और इतनी ड्रामे बाज है, हलवा खा कर बीमार हो गया, पहले तो बढ़िया हलवा खाया ड्राई फ्रूट वाला, अरे बीमार होने का बहाना। तो भाई अभी सोने का टाइम और काम वाम निपटा के सारा मतलब बच्चों को सुला के अब हमारा नंबर है सोने का है। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर आप सभी को, तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तो बाय बाय।